किसी की भी आंखों में एक आंसू नमी कुछ कहीं से नहीं दिख रही। चार दिन खुशी के लिए चार दांत और एक्स्ट्रा दिखा दिए मम्मी ने। अरे मम्मी पापा तो हमेशा से खुश होते थे लेकिन आप तो नम रहती थी, आज तो आप भी नम नहीं हो। तीन दिन में हमने इतना परेशान कर दिया। और वो देखो उस आदमी को, वो यूजुअली अपनी मीटिंग्स नहीं छोड़ता है, पर आज हम जा रहे तो उसने कहा मीटिंग का ही भाड़ में आप तो जा रहे हैं, मैं सी ऑफ तो करूँ अच्छे से, कभी वापस अंदर घुसा है मैं अच्छे से छोड़ के आऊँ, मैं इनका भरोसा नहीं है। चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज है जयपुर में हमारा लास्ट डे, आज हम जयपुर से निकल रहे हैं और यहाँ से हम घर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं और। कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी तो मैं केशु, देखो केशु के लिप्स लगे, और मनु थोड़ा सामान खरीदने के लिए निकले जो हमें रास्ते के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। कार्तिक अभी घर में पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि पैकिंग वही करते हैं, मुझे पैकिंग में मेरा काफ़ी हाथ ढीला है, मैं पैकिंग नहीं कर पाती, तो वो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो बस एक डेढ़ घंटे में हम निकलेंगे और फिर आपको बताते हैं कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बस अब चलने का टाइम हो गया है, लंच हो चुका है हमारा, बस थोड़ी सी पैकिंग बची है कुछ कुछ चीज़ों की, वो पैकिंग करके और बस अब हम निकल रहे हैं फटाफट से घूमने जाना है। और ये केशु दादू की गोदी में एक्साइटेड टू गो क्योंकि किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ एक गाड़ी का सगा। देखो कितना खुश हो रहा है। कितना खुश है ये। अबे भाई रुक जा। केशु तुमने अपनी सीट बुक कर ली? केशु कसम से सो रहा है बस स्टैंड में बस अड्डे पे, बच्चे को देख खड़की डाल देते थे पहले कि बेटा तू जा, बेटा तुम कहाँ हो, चद्दर लेके उतर रहे हो? हेलो, अच्छा इसने लेट गया, इसको कोई और ना आ पाए तो मैं कहाँ बैठूंगी। केशु नहीं जल्दी, अच्छा अपन हंसते बाय मन्नू। किसी की भी आंखों में एक आंसू नमी कुछ कहीं से नहीं दिख रही। चार दिन खुशी के लिए चार दांत और एक्स्ट्रा दिखा दिए मम्मी ने। अरे मम्मी पापा तो हमेशा से खुश होते थे लेकिन आप तो नम रहती थी, आज तो आप भी नम नहीं हो। तीन दिन में हमने इतना परेशान कर दिया। और वो देखो उस आदमी को, वो यूजुअली अपनी मीटिंग्स नहीं छोड़ता है, पर आज हम जा रहे तो उसने कहा मीटिंग का ही भाड़ में आप तो जा रहे हैं, मैं सी ऑफ तो करूँ अच्छे से, कभी वापस अंदर घुसा है मैं अच्छे से छोड़ के आऊँ, मैं इनका भरोसा नहीं है। इतने प्यार है आपको हमसे है, तो हल्की तो मेरी वीडियो के लिए नम कर दो। आप नहीं चाहते कि मेरा वीडियो चले पापा? थोड़ा सा पापा इतनी ओवर एक्टिंग कसम से। इतना प्यार, एक बार और प्यार। अरे भाई साहब क्यों, किस खुशी में, ये थोड़ी ना जा रहे हमारे साथ भी, तो खुश है हमारे जाने से पागल। पापा हाँ भाई देख लेना, मन्नू आना चाहे तो आएगी। शिव दादी बाय। अब इसको लग रहा है हम जा रहे हैं, अब लग रहा है ये कि अब इसका मुंह दिखा रहे, मेरा बच्चा, मेरी दादी आएंगी अभी, जल्दी मिलने आएंगी तुमसे। अब इसको लग रहा है कि इसे लग रहा है कि मेरे को ये लोग नहीं आ रहे साथ में बेचारा। बाय बाय बड़ी बड़ी, नो प्रेशर। चलो हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम घर नहीं जा रहे, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ कि हम घर नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज जब हम यहाँ से निकले घर जाते हैं तो हम थोड़े सैड वाले मूड में होते हैं कि अरे यार घर जा रहे हैं फिर से, बट हम घर नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम पास में ही एक रिजॉर्ट है जहाँ पर हम तीन दिन के लिए रिलैक्स करने जा रहे हैं। ये हमने बहुत पहले से प्लान कर रखा था पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से हमारा प्लान कैंसिल करना पड़ा था, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं। इट्स हार्डली 1 आवर अवे आई गेस, अगर ट्रैफिक मिले, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो 40, अच्छा सो मैप इज शोइंग अस 45 मिनट्स, वी आर क्वाइट नियर बाय। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तीन दिन का स्टे रहेगा एंड देन उसके बाद हम अपने घर वापस जाएंगे। तो चलो अब रहेंगे हम मज़ा, रिलैक्स करेंगे, इन्जॉय करेंगे। यहाँ हम जा रहे हैं वो आपको अभी दिख जाएगा, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आई होप जो रिव्यूज़ दिए गए हैं वो अच्छे ही हों, बाकी मैं भी आपको रिव्यू अपना दूंगी जब मैं वहाँ पर जाकर स्टे करूँगी। तो बस आई एम एक्साइटेड। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा सा लोकेशन मिलने में दिक्कत हो रहा है, वी आर ऑलमोस्ट नियर बाय, 4-5 मिनट की दूरी पे है। जामडोली चौराहा कहाँ है आगे? ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, लेकिन थोड़ा सा घूम रहे हैं, तो वो जो है अभी हमने तो हमने अभी होटल वाले को कॉल किया है, उसने कुछ हमें लैंडमार्क्स बताए हैं तो उसको फॉलो करते हुए एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू रीच द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स।
हम आ गए हैं रिजॉर्ट में, इसका नाम है देवी रत्न आईएससीएल सिलेक्शंस। बहुत अच्छा रिजॉर्ट अभी तो लग रहा है, मतलब एंट्रेंस एंड एवरीथिंग इज क्वाइट ग्रैंड। देखते हैं अंदर जाके कैसा है, पर अभी तो अच्छा लग रहा है। माशा अब तो उठ जाइए, तो आगे भी तो ये लग नींद में हो रहा है और सो गया। अभी रिसेप्शन पे ही है, सब फॉर्मेलिटीज आर गोइंग ऑन। व्हाट आई लाइक द मोस्ट, एक तो ठीक है जो डेकोर है एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट इनका जो ये कोविड से रिलेटेड इन्होंने गाइडलाइंस फॉलो कर रखी हैं। हमारा जो लगेज था वो नीचे रखते, इनके पास एक मशीन थी उसमें उन्होंने पूरा पूरा स्प्रे मार दिया हमारे सारे बैग्स पे। फिर अंदर आते टाइम भी सैनिटाइजर लगाए हैं एंड ये लोग खुद भी मास्क लगा के बैठे हैं। तो दैट वेज आई रियली लाइक इट, आई फाइंड इट सेफ, क्योंकि मेरे लिए लैविश ग्रैंड वो सब ठीक है, एवरीवन वांट्स दैट, बट अभी कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी गाइडलाइंस कितनी हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो सब आई थिंक अभी तक तो ये फॉलो कर रहे हैं, आगे देखो अभी रहेंगे रुकेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा, तो मैं आपको रिव्यूज़ देती रहूँगी। रूम है नंबर 2, व्हाट इज़ रूम नंबर? 207। कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, वाओ, रात को मुझे जरूर डर लगेगा, इतनी शांति है। ओके रूम देख लेते हैं पहले। अरे लेट मी कम। ओके दैट्स अ रूम, वाओ।
लव्ड इट, आई रियली रियली लव्ड इट. इतना सुंदर रूम है, आई एम लविंग इट. मैं तो यहीं बसने बस जाऊँ यार. वैसे वो बेचारे होटल वाले भी थोड़े घबरा गए थे हमारा सामान देख के, सर आप कितने दिन के लिए आए हैं. उन्होंने हमसे ही पूछा. बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल रूम, बहुत ही स्पेशियस है. और हमने स्पेसिफिकली ये रूम इसलिए सेलेक्ट किया था बिकॉज हमने फोटोज में भी देखा था काफ़ी स्पेशियस है, सो दैट केशु के लिए थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो, ही कैन लाइक रन हियर और भाग सकता है अच्छे से, ही कैन इन्जॉय. तो इसलिए हमने ये रूम बुक किया था और आई एम हैप्पी कि हमने ये रूम बुक किया. किसकी कैब नहीं खुली. तो बस हम आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ. मैं आपसे अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, केशु को दूध वूध पिला लेते हैं, थोड़ा सा मैं अपने आप को देख लूँ अच्छे से शीशे में, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में.